हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की जो नई बुलेट अभी लॉन्च हुई है, जिसको भाई बुलेट वाले अभी फ़िलहाल में जो पुरानी इनकी बुलेट वगैरह थी उनके कंपैरिजन में इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अलग मिलेंगे देखने को। उसके अलावा इसको कुछ जो पुरानी बुलेट आती थी आज से पहले की 24-22 से पहले की बुलेट, कुछ इसको पुरानी बुलेट का लुक देने के लिए बुलेट वाले कोशिश कर रहे हैं। जो आपको दिख पा रहा होगा इसके ऊपर जो यहाँ पर बुलेट का सिम्बॉल वगैरह है इसका, और यहाँ पर भी आपको 350 बुलेट जो आपको दिया गया है गन का साइन एक, तो कुछ आपको ये इसका साइड लुक देखने को इस गाड़ी का मिलेगा। फ्रंट से दिखा दूँ मैं आपको, वो पुरानी बुलेट आती थी 2024 से पहले, उनमें आपको सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक गाड़ी में मिलता था। तो इस गाड़ी में जो ये वाला वेरिएंट है इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 3 में से जो बीच वाला मॉडल है ये वाला रहने वाला है। इसमें आपको फ्रंट में और पीछे की साइड में दोनों साइड में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है। जो बेस्ट मॉडल है उसमें आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे की साइड में कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। डिस्क ब्रेक मैं आपको दिखा दूं, जो ये दिख पा रहा होगा आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर, और पीछे की साइड में दिखा दूं डिस्क ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाड़ी होने वाली है फुल्ली 350 सीसी का जो आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा। इसमें जो इंजन दिया गया है वो J1 इंजन दिया गया है। जो पहले मॉडल थे उनमें आपको कोई भी J1 इंजन वगैरह कोई भी ऐसा कुछ स्पेशल इंजन नहीं देखने को मिलता था। बात कर लेते गाड़ी की, जो टंकी है वो आपको इसमें मिलने वाली है तकरीबन 13 लीटर, जो कि साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है इस बार। और जो सीट बता दूं मैं आपको, जो पुराने वेरिएंट थे उनमें आपको सीट की जो कंफर्टेबल है वो आपको इतना नहीं मिलता था, जो कि इस सीट में आपको कंफर्टेबल दिया गया है। बैक रेस्ट के हिसाब से आपको पीछे दिया गया है, और यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का जो सिम्बॉल लोगो रहता है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी में आपको कोई भी किक वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलने वाली। जो किक का फीचर है फुल्ली बुलेट वालों ने हटा दिया है। गाड़ी फुल्ली जो रहने वाली है ऑटोमेटिक रहने वाली है। यहाँ से आपको एक बटन दिया गया है, मैं आपको दिखा दूँ ऑन करके। तो सिंपली इस बटन को आपको लेफ़्ट साइड में घुमाना रहता है। तो मैं गाड़ी फ़िलहाल अभी गियर में पड़ी, शायद न्यूट्रल कर दूँ मैं, देख सकते हो आप। इस बटन को लेफ़्ट करते ही गाड़ी सिंपली स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी का मैं आपको एक बार साउंड दिखा देता हूँ। ये आपको मिलेगा कंपनी फिटेड साइलेंसर। अगर आप एक्सेसरी के तौर पे अगर जो साउंड को जो आपको लग रहा है अभी साउंड थोड़ा हल्का पड़ रहा है, तो आप जो मंदसौर में जो शोरूम है बुलेट का वहाँ से भी आप इस साइलेंसर को चेंज करवा सकते हो। जो इस वेरिएंट में आपको मिलता है यहाँ पर डिजिटल मीटर। मैं आपको गाड़ी एक बार बंद करके ऑन करके दिखा दूँ। यहाँ पर आपको दिया गया इसमें जो गाड़ी की स्पीड दी गई है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का सिम्बॉल 350 का, और यहाँ मिलेगा आपको एक डिजिटल मीटर, जिससे आप यहाँ बटन दिया गया है इस बटन को आप जब क्लिक करोगे तब आप यहाँ से जो गाड़ी की जो डिजिटल मीटर है उसके आप जैसे अभी चल रहा है ट्रिप पर, और इसकी जो टोटल ट्रिप कितनी हुई है वो भी इसमें दिखा देता है। अगर आपको कहीं जाना है बुलेट लेके, अगर आपको ट्रिप सेट करना है तो वो आप इसमें नेविगेशन वगैरह हर चीज़ बाहर से लगवानी पड़ेगी आपको, लेकिन वो फीचर कंपनी ने इसमें इन बिल्ड दिया हुआ है, जो कि एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और एक सिंपल सी आपको इसमें जो बुलेट की की देते हैं आपको कंपनी वाले, वही रहने वाली पे रहने वाला है जो रॉयल एनफील्ड का लोगो। तो की को हम फिलहाल लगा देते हैं। डिजिटल मीटर जो आपको मिलने वाला है फुल्ली आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगभग गाड़ी आपको फुल्ली कहीं ना कहीं आपको क्रोम चमक रहा होगा, आपको दिख पा रहा होगा गाड़ी के साइड में, गाड़ी के डिजिटल मीटर में। आपको जो फ्रंट लाइट है आपको चला के दिखा देता हूँ मैं, फ्रंट लाइट कैसी है इसकी। गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देते हैं। दोनों साइड में आपको इंडिकेटर देख सकते हैं, और 2 छोटी लाइटें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब आपको एक ऐसी थोड़ी दमदार लाइट सामने देखने को मिलेगी। और इस लाइट के अंदर भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा मिलता है आपको सामने। फ्रंट में आपको मिलता है नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का, और जो टायर देख सकते हैं आप, टायर भी काफ़ी ज़्यादा साइज़ बड़ी है इस टायर की। जो फ्रंट के टायर की साइज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ मिलने वाली है 100/90/19 mm। फ्रंट के टायर की साइज़ को मिलेगी 90 mm की, और पीछे वाला मिलेगा आपको 110 mm की। दोनों टायर आपको C8 के मिलने वाले हैं। जो पीछे की साइड में आपको दिए गए हैं आपके सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को कम्फर्टेबल बनाते हैं। जब आप गाड़ी को चलाएँगे तब आपको पता पड़ ही जाएगा। वैसे भी इस गाड़ी में एक फ़ीचर और दिखा दूं मैं आपको, जब आप गाड़ी काफ़ी लंबी चला लेते हैं उसके बाद अगर आपको आप सोचते हैं भाई गाड़ी में इंजन जो ठंडा कैसे होगा, गाड़ी का इंजन जो डीजल गर्म होने की संभावना रहती है, तो इस गाड़ी में आपको मिलता है एयर कूल्ड इंजन, जिससे आपका जो डीजल है वो हमेशा कूल्ड रहता है, जो कि भैया सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर रहने वाला है। साइड में बात कर लेते हैं, तो यहाँ मिलता है आपको इसका ब्रेक सिस्टम, और इसका साइलेंसर आपको फुल्ली यहाँ से कनेक्टेड मिलेगा गाड़ी में। तो आपको सिंपली चाबी से आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी की बैटरी वगैरह इसके जो पाने वगैरह आपको यहाँ इसके अंदर मिलते हैं। तो सिंपली आपको इसे लगा दीजिए। उसके बाद गाड़ी की बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की, तो इधर मिलेगा आपको गियर सिस्टम। एक सिंगल स्टैंड और एक मेन स्टैंड। जो ये वाली बुलेट है आपको मंदसौर में पड़ने वाली है 1,97,000। इसकी जो एक शोरूम प्राइस मंदसौर में रहने वाली है, जो कि बुलेट का शोरूम है। आप एक बार विजिट करें और तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इस बाइक को ऑन रोड परचेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाइक पड़ने वाली है 2,40,000 के अंदर।